फरीदकोट में पर्ल्स कंपनी के निवेशकों द्वारा कंपनी में अपने निवेश किए पैसे को वापस लेने के लिए संघर्ष करते हुए शहर में एक रोष मार्च निकाला गया और सड़क पर धरना देकर रोड जाम लगाया गया। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर केंद्र सरकार और सेविका पुतला भी फूंका। इस वक्त ऑल इंडिया इन्वेस्टर सेफ्टी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि पूरे भारत में 49,000 करोड़ के करीब सिर्फ पंजाब में 25 लाख लोगों का 7,000 करोड़ रुपए पर्ल्स कंपनी में निवेश किया गया, जिस कंपनी को केंद्र सरकार ने मान्यता मिली हुई थी, पर बाद में इस कंपनी को बंद कर दिया गया जिसके चलते निवेशकों का पैसा फंस गया, जिसको वापस लेने के लिए उन्होंने अदालत का सहारा लिया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए एक फैसले के मुताबिक जस्टिस लोढ़ा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जो सेवी संस्था के साथ मिलकर निवेशकों के पैसे वापस दिलाने के लिए रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया, लेकिन केंद्र सरकार और स्थानिक सरकार के दबाव के चलते इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों के पैसे अभी तक नहीं मिले, इसी के चलते उनको मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा। वही धरने पर बैठे निवेशकों से नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार ने उनका मांग पत्र लिया और यकीन दिलाया कि वह उनकी मांग को डिप्टी कमीशन के जरिए पंजाब सरकार तक पहुंचाएंगे। फरीदकोट से गुरजीत रमाणा। मामला पर्ल्स कंपनी वालों जिहड़े 5,85,000 करोड़ लोग है, जिहड़े 5,85,00,000 लोगों का पूरे हिंदुस्तान दे विच घाण होया ते जिहदे विच पंजाब दे 25 लाख लोग ने, जिहदे विच असीं पिछले 3 सालों तो जिहड़ी लड़ाई है लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट दे विच असीं केस दायर करके उत्थे असीं लोगों के हक दे विच इक फैसला करवाया सी पिछले साल, जिहड़े नूं लगभग 1.25 साल दे होण दे करीब आया, पर उह सुप्रीम कोर्ट दे लागू होए आर्डरां नूं केंद्र की सरकार ते संस्थानक सरकारां दी मिली भुगत होण करके लोगों ने जिहड़े पैसे नूं देण दे विच देरी की जा रही है। असीं उस लीक कारगुजारी नूं तेज़ कराउण दे लई प्रशासन दे राहीं मीडिया दे राहीं अते आपदे प्रदर्शन दे राहीं इह असीं तेज़ कराउणा चाहुंदे। जिहड़े पंजाब दे लोक है जी उह हैगे 25 लख लोक है ते जिहड़ी 7,000 करोड़ दे करीब जिहड़ी अमाउंट है उह पंजाब दे लोकां दी लगी हुई है ते पूरे भारत की गल करिए तां उह 49,000 करोड़ दे करीब है। पर्ल्स कंपनी दे विच सीगे जी जिहनूं कि सरकार वल्लों मान्यता प्राप्त सी, MCA डिपार्टमेंट तों लाइसेंस मिलिया होया सी। अज फरीदकोट दे विच असीं बस अड्डे दे विच मीटिंग करके उत्थों रोस मुजहरा करदे हुए लोगों को जागरूक करते हुए असीं मोदी का पुतला फूकिया, सभी का पुतला फूकिया, जिहड़ा कि इन्हां वास्ते चैलेंज है भी असीं कल्ला फरीदकोट दे विच नहीं, असीं पूरे पंजाब दे विच सारे जिले च करन जा रहे हैं। जे साडी फिर भी ना सुनी तां असीं बहुत तेज संघर्ष शुरू करांगे। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ।